नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कार्डबोर्ड से व्हील बनाते हैं पर वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते, तो हम आज एक लेवल अप जाएंगे और हम MDF बोर्ड से व्हील बनाएंगे जो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हम एक MDF बोर्ड का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। बोल 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 बाद में इसे फाइल या सैंड पेपर से घिसे इसकी किनारे को स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसको कलर कर लेंगे। इसको कलर करने के लिए मैंने ब्लैक कलर के ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। दोस्तों, ये मेरे टायर सूख चुके हैं, मैंने ऐसे और लिए। दोस्तों, मैंने इसको डिज़ाइन करने के लिए पेपर के छोटे छोटे 4 राउंड पीस काट लिए है और उसके ऊपर मैंने टायर के रिंग जैसे डिज़ाइन कर लिए। अब हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह इसको चिपकाना है। इसी तरह मैं और 3 टायरों में भी लगा लेता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मैंने और तीन टायर में भी लगा दिया है और अब हमारे टायर बहुत अच्छे तरह से दिख रहे हैं। अब हमारा टायर यूज़ करने के लिए तैयार है। अब हम इसमें से टूथपिक निकाल देंगे। और दोस्तों ये हो गया हमारा शानदार टायर तैयार। इसको सूखने के लिए बस 2 मिनट लगेंगे। इसी तरह मैं और 3 टायर को भी सजा देता हूँ। बहुत मेहनत लग गया, MDF बोर्ड काटते काटते हाथ में भी दर्द हो गया था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चारों टायर तैयार हो चुके हैं।